हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइज, अभी ना शाम हो चुकी है और ठंड यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ हल्की हल्की ठंड है। पता नहीं हमारे घर गांव तरफ कैसी ठंड है, बट यहाँ तो हल्की हल्की ठंड लग रही है, इसलिए हमने स्वेटर वगैरह पहन लिया है। और यहाँ थोड़ा सा बाहर मैं झूला झूल रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए अभी जस्ट आई हूँ। तो दीदी का ना आंगन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दीदी ने इतने सारे प्लांट्स वगैरह लगाए हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आंगन में आके बैठना और झूले वगैरह झूलना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहीं बैठी हुई हूँ मैं। तो चलिए दिखाती हूँ कौन क्या क्या कर रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है? तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और गाइज़, आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं फटाफट से कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि कंटिन्यू ब्लॉग्स बनाओ, तो गाइज़ बेबी के साथ में और लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंटिन्यू ब्लॉग्स आपके साथ में शेयर करूँ। तो आप भी ब्लॉग्स पे प्यार देंगे ना, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्लॉग बनाने में। तो डेफिनेटली बहुत सारा प्यार मुझे दीजिएगा मेरे ब्लॉग्स पे, ठीक है? तो चलिए दिखाती हूँ कि और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं सब लोग। अभी ये शाम का टाइम और यहाँ पे दीदी शाम की पूजा कर रही है, दिया बत्ती, और मिस्टी भी साथ में पूजा करती है डेली दीदी के साथ, और वो भी तुलसी में दिया लगाने के लिए ले जा रही है। मिस्टी, क्या सीख रही हो आप, जरा बताना हमारे व्यूवर्स को। साबुदाना का पड़ा बनाना, बोलो। साबुदाना का पड़ा बनाना। अच्छा, मतलब आप खाना बनाना अभी से सीखने लगी अपनी मम्मा से, वेरी गुड। आपको खाना बनाना पसंद है क्या? बोलो, मेरी मम्मा अकेली है ना, मैं हेल्प कराती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुकर को गैस में रखो। तुम क्या कर रहे हो डुगू बेटा? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। होमवर्क वगैरह कर ले। अच्छा, हाय गाइस, चल अच्छे से कर दे। हाय गाइस, ये मेरी लाडो की फोटो है। ये आई थिंक जो मिस्ट्री 2 साल की थी ना, तब की ये फोटो है। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा, सच में 2 साल की रही होगी। और ये मेरा डुगू बेटा है। ये जब दीदी वहाँ गई थी ना, मायके गई थी, उस टाइम पे हमारी शादी वगैरह नहीं हुई थी, तब दीदी ने ये वाला पीयू का फ्रॉक पहनाया हुआ था बाबू को, और फोटो शूट हुआ था उसका। तो ये कुछ ऐसा है। और ये वाली फोटो है मेरी लाडो रानी की, वो भी छोटी सी थी, 3 महीने की थी, लॉकडाउन के टाइम पे ये फोटो मैंने ही क्लिक किया हुआ था उसका। बहुत क्यूट थी वो, बिल्कुल गोलगप्पा थी, बिल्कुल मेरी तरह। मावेक, मावेक आप शो आ रहे थे ना, मावेक दुकान का थी क्या? नन्ही लोरी की धुन हो जा मीठे सपनों में गुम, तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आंखों का तारा। देख रही अच्छे से बोलो। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? और आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ शाम का नाश्ता, ठीक है? तो रेसिपी ऑलरेडी इसकी मैं आप सब में शेयर कर चुकी हूँ, तो बस कैसे बना रही हूँ वो बताऊँगी, ठीक है? मैं सोचा शायद ये बच्चों को बहुत पसंद आए, इसलिए तो आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी के अप्पे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है? थोड़ा ऊपर ऊपर बता देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जब मैंने मिक्स कर दी उसके बाद में मुझे पता चला। शाम हो गई है तो यहाँ दीदी झाड़ू लगा रही है और मिस्टी और मैं। अप्पे ना एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है, जो कि सूजी से बनता है। तो सबसे पहले ना लाइक आपको जितना भी बनाना है उतनी क्वांटिटी में सूजी और दही को अच्छे से मिक्स करके रख दो 20 से 25 मिनट। और उसके बाद में घर में जितने भी वेजीज हैं ना, मैंने इसमें मटर, गाजर, धनिया पत्ती और कुछ मसाले, थोड़े से लाल मिर्च और थोड़ा सा लाइक जो भी मसाला आपको पसंद है इसमें डाल दो। वैसे मसाले ज़्यादा ना ही डालो तो बेटर है, सिंपल ही अच्छा लगता है। तो मिक्स करके इसको नॉर्मली अप्पे वाले जो तवे आते हैं
उस पे इसको बना देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, सबसे पहली बात, और दूसरी बात क्योंकि ये सूजी का और बहुत सारे वेजेस है इसमें, तो हेल्दी तो है ही, और ऑयल वगैरह ना इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस तरीके से इसको हम तवे में डाल देंगे, उसके बाद जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए तो दूसरी तरफ के लिए इसको पलट देते हैं, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सच में। अप्पे तो मैं कितने टाइम से बनाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ में ना हरी चटनी भी बना सकते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। बट हरी चटनी तो मैंने बनाया नहीं था, तो नॉर्मली हमारे पास में केचप रखा हुआ था, तो केचप से ही हमने खाया। लो खा के देखो, आ करो। कैसा है? टेस्टी। लो पूरा खा लो, अभी और दूंगी। हाँ तो ये हमारे टेस्टी से अपने बनके रेडी हैं, और पता है ठंड में इसको गर्मा गर्म खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है लिटरली। तो इसको अभी हम खाएंगे, लेकिन यहाँ पर बैटर बहुत सारा मैंने बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो सारा बैटर मैं फटाफट से बना लेती हूँ। गर्मा गर्म अप्पे बाबू सो गए हैं। नहीं यार, दीदी बोली तो थी मंगा देगी, बोली थी मिस्टी आजा बेटा। कर रही हो मिस्टेक क्या? अच्छा पानी भर दियो, गीली चाय कहाँ बोला सिंबाओ मिस्टेक मिस्टेक डुगो आवाज लगाना सामने वाले। क्या हुआ मेरी बेटी को? मैं जाऊँ तुम जाओ, तुम जाओगे, जाओगे तुम डुगू बेटा कैसा लगा आप पे? अच्छा। आपको मिस्टर? अच्छा। सुपर टेस्टी सुपर यम्मी, सुपर टेस्टी सुपर यम्मी। और खाओगी? और खाओगी? चलो खाओ, टीवी बंद करो और पढ़ाई करने बैठो। चलो पढ़ाई करने बैठो जल्दी से, ठीक है? क्या क्या होमवर्क मिला है दिखाओ जल्दी जल्दी, देखें जरा। ब्रिज का उजाला है मीर लाल से तो सारा जग झिल मिलाए, हवा गा के सुनाए भोर ये गुलाबी पलके झूम के सुनाए, अरे मेरा बच्चा तुमको मोची बहुत अच्छी लगती है। ईशु क्या हुआ? खाची खाची हो गई, बैठ गई ईशु बैठ। मौसम आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी भी गर्मी हो जा रही है, कभी भी ठंडी लगने लग रही है, कभी भी बारिश, लाइक कुछ कह ही नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों का ना बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है, इसीलिए बच्चों को लग गई है सर्दी, सर्दी हो गई है सारे बच्चों को,
इसलिए यहाँ पे जीजा जी ना भाप दिला रहे हैं, तो एक एक करके सारे बच्चों को भाप दिलाया हमने। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया, रात का खाना वगैरह खा के यहाँ पे बस ऐसे ही बैठे हुए थे। और आज दीदी के घर हमारा लास्ट डे है, क्योंकि सुबह हम निकलने वाले हैं घर के लिए, तो हमें लेने कौन आता है अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, तो देखते हैं कि कौन आता है। तो सुबह हम घर के लिए निकल जाएंगे। चलो भाई चलो जल्दी चलो, ले लो सामान, राज होने भी एक बैग रख लो, वो ले लिया है, ले ले राज। राज राज जल्दी कर यार, लेट होता है यार, समझाते हैं कि जल्दी कर दी दे हो गए। चलो चलो चलो, खोल के लगे हाथ, मेरी बेटी, मेरी लड्डू सी बेटी, मेरी शोर सुगी, चलो हम जा रहे नानी के घर। चलो फिर हम वापस जा रहे हैं घर। राज भाई आया है हमें लेने के लिए, जो मेरे ब्लॉग में बिल्कुल नहीं आना चाहता है, इसलिए भाग चुका है। है ना, आ जाओ मिष्टी, आओ मेरे ब्लॉग में आओ। हाय कर दो, हाय गाइस कर दो, हाय गाइस। तो मिष्टी भी जा रही है और हम लोग सब जा रहे हैं। बाप रे हल्का भइल बा, देखी पानी कैसे रखे सामान पूरा भर ला, तू चुप चुप अच्छे से तो रखे है, ये लगाने वाला है ना इसमें, तो लगाने वाला है भरने के बाद। हाँ। तो पीछे से तो कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, मतलब पीछे से भी तो देखा जाता है उधर एक कांच से। भैया तो बुलाते बा, हां कांच तहां बैठ गुलनो खींच मिस्टी मिस्टी बस खड़े हो, तो खड़े हो बैठ। तो अभी हम निकल गए हैं हमारे घर के लिए। और गाइज ये मेरा बहुत ही सिंपल सा व्लॉग था, होप आपको पसंद आया होगा। और मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।